नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज और मैं हूँ यति आपके साथ। रामचरितमानस पर चल रहा विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि आरजेडी नेता और बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव ने अपने दिए बयान पर फिर से विवाद खड़ा कर दिया है। सुरेंद्र प्रसाद यादव के बयान से बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। दरअसल सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए सेना पर हमले करवाती है। क्या कुछ है मामला, ये हम आपको बाद में बताएंगे। इससे पहले आप इस वीडियो को देखिए। मैं बीजेपी का चुनौती स्वीकार करता हूँ, सुपड़ा साफ है। आपको लगता है कि बड़ी आशंका भी है क्या कि कुछ बड़ा खेल होगा या बीजेपी कुछ बड़ा कर सकती है, कोई बड़ा कुछ? बीजेपी में जब चुनाव आता है तो ज्यादा से ज्यादा आर्मी पर हमला करता है। इस बार लगता है कि किसी कंट्री पर हमला करता है। समीक्षा बैठक में आप नहीं जा रहे हैं, क्या बात है? तो सुना आपने क्या कुछ कहा है सुरेंद्र यादव ने। दरअसल आरजेडी नेता और बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव से मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा था कि बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि 2024 में लोकसभा चुनाव वो रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। इस सवाल का जवाब देते हुए मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा, 2024 में सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। मैं बीजेपी की चुनौती स्वीकार करता हूं। इस दौरान मीडिया कर्मियों द्वारा उनसे पूछा गया कि बीजेपी को लेकर कोई आशंका है क्या, क्या कोई बड़ा खेल होगा? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि बीजेपी में जब चुनाव आता है तो ज्यादा से ज्यादा आर्मी पर हमला करती है, इस बार तो लगता है कि किसी कंट्री पर हमला करेगी। वहीं सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव के इस बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है।